ने भी अपनी बातों को रखा, किसी ने बाल विवाह से उनका अपना अनुभव हुआ उन्होंने अपनी बात रखी, एकता कुमारी शर्मा जी ने, और भागलपुर जिले में ही जो सतत जीविकोपार्जन योजना का उन्होंने उल्लेख किया और किस तरह से उसका उनको लाभ मिला, समुद्री देवी जी ने इस बात को कहा, और शराब बंदी को लेकर के समा प्रवीण जी ने अपनी बात रखी, पूरी बात को बताया, और बांका से भी सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत कुसुम पासवान जी ने अपनी बात कही, बाल विवाह को लेकर के ललिता देवी जी ने भी बात कही, ये बहुत अच्छा लगा बहुत ही। लेकिन हालांकि यहाँ के डीएम को हम कहेंगे कि भाई इतना संक्षेप में सबको कहे बोलने के लिए, जो हम सतत जीविकोपार्जन योजना में घूम रहे थे छह जगह हो गया था तो उसमें हमने सबको कह दिया था कि जीविका की दीदियों को अपनी इच्छा के मुताबिक पूरा बोलने का मौका दीजिए, तो आप कम समय कह देंगे पूरी बात। हालांकि ठीक है संक्षेप में ही बोल रही थी, लेकिन ठीक ही बोल रही थी और उन लोगों ने अपना अनुभव दिया, लेकिन बाकी सब जगह भी आखिरकार हम सतत ये बोलिए समाज सुधार अभियान में तो उनके साथ हम बातचीत करने के लिए आए हैं, अन्य लोगों के साथ बातचीत करने आए हैं, तो उनकी बात तो सुनना चाहेंगे, उनका जो अभियान है। तो आखिर इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को मालूम है ना कि शराब बंदी तो लागू होगा, ताकि कैसे लागू, किस तरह से महिलाओं ने जो जीविका समूह की थी उन्होंने ही मांग किया था, 9 तारीख को, 9 जुलाई को 2015 की बात है, पटना के एक कार्यक्रम में हम लोग, इन्हीं लोगों का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में हम अपनी बात कह करके बैठे थे, तब तक वही पटना में जब जहां उपस्थित थी जीविका की दीदियां तो उन्हें वहां से मांग कर दिया शराबबंदी लागू किया, तो हम तो जाके बैठ रहे थे तो हमको लगा कुछ शराबबंदी की बात की है, तो उसमें जो मंत्रीगण थे और वो तो पूछे सब कहां शराबबंदी की बात, लौट करके आ करके फिर हमने कहा कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो 2015 की बात, उसके 3 महीने के बाद ही चुनाव होना था चार दिन, हमने कहा अगली बार फिर आ जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू कर देंगे। तो ये जीविका की दीदियां का ये उन्हीं की बात, महिलाओं की मांग थी, उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए, और जो बात है हम तो शुरू से चाहते थे,
हम लोग तो इसके लिए पूरा अभियान चलाते रहते थे, लेकिन लगता था कि पूरा प्रभावकारी होगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब महिलाओं ने यह मांग की तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद हम लोगों ने घोषित कर दिया। और सबको मालूम है ना, जब 2015 के बारे में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आएंगे फिर सरकार में तो लागू करेंगे, और उसके बाद ही जैसे ही फिर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया 15 में, और जब शपथ ग्रहण हो गया नवंबर महीने में, और उसके बाद ही 26 नवंबर को ही जो पहली मीटिंग की, और उसी में हम लोगों ने यह बात तय कर दिया कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अभियान चलाएंगे।